हेलो फ्रेंड्स, नोट्स कार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन। हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पांच पार्ट में डिवाइड कर रखा था, उसका ये चौथा पार्ट है सेल कम्युनिकेशन। तो आइए हम जानते हैं सेल कम्युनिकेशन होता क्या है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम टर्म कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो भी कम्युनिकेशन, यानी जो भी कनेक्शन होता है, या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में जो भी कनेक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि सिंगल सेल है, हालांकि वो पूरी तरह से अपना काम करती है, लेकिन वो दूसरे सेल के साथ जब अटैच होगी तब ज़्यादा वो प्रॉपरली फंक्शन करेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर द वर्किंग प्रॉपरली, यानी वर्क को प्रॉपर करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे बॉडी में कम्युनिकेशन कैसे जनरेट होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेटेड हार्मोन या न्यूरल इफेक्ट, ठीक है। ये सिग्नल क्या होगा, फिर अटैच टू सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से अटैच होगा। फिर ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटेड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेल के अंदर क्या होता है हमारे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, उसको क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। फिर एक्टिवेटेड द जीन क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होती है, और उस जीन को क्या कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है। और फाइनल रिस्पांस जनरेटेड प्रोटीन सिंथेसिस, और फाइनली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, और जो भी हमें वर्क परफॉर्म करना होता है वर्क परफॉर्म कर लिया जाता है। तो ये हो गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल जनरेट होगा या तो वो हार्मोन के थ्रू जनरेट होगा या न्यूरल इफेक्ट के थ्रू जनरेट होगा। सपोज दैट आपको किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया तो वो क्या किया, वो एक सिग्नल जनरेट किया, और वो एक सिग्नल जनरेट करेगा तो वो अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और वो सिग्नल किस पे अटैच हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन पे तो अटैच हो गया, अब इसके बाद ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अब वो सिग्नल जो होगा सेल के भीतर जाएगा और एक जगह ट्रांसड्यूसर की तरह काम करेगा, और जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है प्रोटीन बनाने के लिए जो भी जरूरी है, उस चीज को क्या कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा। अब वो जो ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर है वो क्या करेगी, एक्टिवेट द जीन, जो भी हमारे जीन होती है, यानी हमारे अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है, और वही जीन हमारी पूरी क्रिया कार्य को, यानी पूरे वर्क को, बॉडी पूरे फंक्शन को वही क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो एक्टिवेट जीन करेगा, उस जीन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। अब जैसे ही वो जीन एक्टिवेट हुआ, फाइनल रिस्पॉन्स जनरेटेड, तो वो क्या होगा, उस जीन के द्वारा क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और वही प्रोटीन क्या होगा, पार्टिसिपेट कर जाएगी हमारे इम्यून सिस्टम से लिए, और उस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है, और उसके अगेंस्ट हमें जो भी रिस्पॉन्स देना होगा वो इस प्रोटीन सिंथेसिस के कारण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। ऑल सेल्स हैव द सम एबिलिटी टू सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक केमिकल न्यूरल सिग्नल। जितनी भी हमारी बॉडी में सेल होती है सबके ऊपर लगभग क्या पाया जाता है, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब रिसेप्टर पाए जाते हैं तो सभी क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक केमिकल का रिसेप्टर पाया जाता है, तो वो एक स्पेसिफिक केमिकल के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं, तो वो सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर वो सिग्नल को सेल के अंदर भेजते हैं, फिर सेल के बाहर वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आती है सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू द केमिकल मैसेंजर एंड द रिसेप्टर विच आर लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल। जो भी सिग्नल हुआ वो मेम्ब्रेन के थ्रू आया और मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा, और वो केमिकल किस रूप में जाएगा, केमिकल के रूप में, केमिकल मैसेंजर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसे बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, और उसी के थ्रू आएगा और उसी के थ्रू होता हुआ सेल के बाहर जाएगा, सेल सरफेस से होता हुआ बाहर जाएगा, और उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है टू मेन टाइप्स ऑफ द केमिकल सिग्नल जनरेटेड इन द सेल। दो टाइप के केमिकल रिसेप्टर होते हैं, यानी कि दो टाइप के केमिकल रिसेप्टर होते हैं, वो दो टाइप के सिग्नल जनरेट करेंगे। कौन कौन से, एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल और हार्मोनल कम्युनिकेशन। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल का मतलब क्या हुआ, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक सेल होती है दूसरे सेल के साथ, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है और क्या बना लेती है, वो जंक्शंस बनाती है। अब उस जंक्शंस में आयंस का भी मूवमेंट होगा, अब जब आयंस का मूवमेंट होगा तो कम्युनिकेशन भी होगा। मेनली क्या होता है, सेल के अंदर आयंस का ही तो आदान प्रदान होता है, कोई इन्फ्लक्स होता है, कोई इफ्लक्स होता है, तो जो भी ये आयंस होते हैं यही जनरेट करते हैं क्या चीज, सिग्नल जनरेट करते हैं। अब यही सिग्नल जनरेट करेंगे तो जब एक सेल का दूसरे सेल के साथ साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो कुछ आयन एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे और वही जनरेट कर देंगे क्या, कम्युनिकेशन।
ठीक है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल। ठीक है, निकलता हार्मोनल कम्युनिकेशन हमारी बॉडी होती है, सभी लोगों ने पता होगा इंडोक्राइन के बारे में सुना होगा। इंडोक्राइन में क्या होता है, बेसिकली हार्मोन के बारे में पढ़ा जाता है और हार्मोन की एक्टिविटी को पढ़ा जाता है, और ये पढ़ा जाता है कौन कौन सा ऑर्गन हमारा है, कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये इंडोक्राइन में जाना जाता है। तो वो हार्मोन बेसिकली क्या करता है, जब भी हमारी कोई बॉडी में डिसफंक्शन होता है या हमारे बॉडी में कोई बार काम करना बंद, कोई ऑर्गन काम करना बंद कर जाता है, उस समय क्या रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है और वो उसको क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है हार्मोन। अब जब वो हार्मोन है तो कहीं ना कहीं वो किसी सेल से जुड़ेगा, कम्युनिकेशन को सेंड करेगा। तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट हुआ ऑर्गन से और आके सेल मेम्ब्रेन पे क्या होगा, अटैच हो गया। अब वो क्या होगा, रिस्पॉन्स देगा, तो उसके अंदर क्या जाएगा, सेल के भीतर जाएगा ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एक्टिवेट कर देगा जीन को, और जीन से हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस और हमारा वर्क परफॉर्म हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, हार्मोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। साइटो, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन आपका। देख लीजिए साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन कैसे बनाया है, एक सेल दूसरे सेल और दूसरे सेल को एक दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, आयंस का आदान प्रदान होगा, तो इसका कम्युनिकेशन का सिस्टम ये हो गया, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन। इसमें रिसेप्टर की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन में रिसेप्टर की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि एक मेम्ब्रेन का दूसरे मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, अब वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो भी ट्रांसफर होना होता है मैसेज का, वो ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट आता है ये हार्मोन के द्वारा। हार्मोन के द्वारा में क्या, रिसेप्टर की जरूरत होती है, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होना मेन की जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अब उस सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो हार्मोन आएगा और सेल रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। अब सेल रिसेप्टर से जैसे जुड़ा तो क्या जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा सेल के अंदर, सेल के भीतर ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर प्रोटीन बना के उसको बाहर भेज देगा और वो हमारा वर्क परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हार्मोनल कम्युनिकेशन हो गया, और ये वाला हो गया हमारा, ये साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन हो गया। इतना आप लोगों को कम्युनिकेशन का मतलब तो बेसिकली समझ में आ गया होगा, और जनरल प्रिंसिपल उसके क्या है ये सही समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे रिसेप्टर, रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स होता क्या है। रिसेप्टर आर द मॉलिक्यूल जनरली मेड अप द प्रोटीन दैट रिसीव द सिग्नल फॉर द सेल। ठीक है, तो क्या होगा, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर बेसिकली वो मॉलिक्यूल होता है, वो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, सेल के भीतर भेजता है और सेल से बाहर से रिस्पॉन्स का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, केमिकल मैसेंजर आर बाइंड टू द सेल रिसेप्टर एंड परफॉर्म द फंक्शन। जो भी केमिकल हुआ वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि हम लोग आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक सेल होती है, उसके बाद एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एक स्पेसिफिक केमिकल के लिए। अब वो जब केमिकल आएगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा सेल को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा और वर्क परफॉर्म होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी किस पे बेसिस है, तो मेनली किस पे बेसिस है, तो केमिकल के बेसिस है, केमिकल जो आएगा उस हिसाब से हमारा सेल एक्टिवेट होगा। ठीक, नेक्स्ट, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द सेल। मेनली थ्री टाइप के सेल रिसेप्टर जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, तो मेनली थ्री टाइप के सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें उनका मॉडिफिकेशन अलग अलग होता है, जो कि अलग अलग केमिकल के क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर या लिगेंड गेटेड चैनल आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। ठीक है, द रिसेप्टर आर डायरेक्टली बाइंड विद द लिगेंड स्पेसिफिक। तो जो भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर आर डायरेक्टली बाइंड टू द लिगेंड स्पेसिफिक। तो जो भी हमारे इसमें क्या होता है, आयन चैनल है, याद रखिएगा इसमें, इसके नाम में ही आप देखेंगे क्या लिखा है, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। इसमें क्या, कोई भी आयन या लिगेंड पार्टिसिपेट करेगा, आयन या लिगेंड पार्टिसिपेट करेगा। आयन का मतलब क्या होगा, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, ये सब क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। तो आयन के द्वारा ही इसका क्या होगा, मेनली रिसेप्टर का कंट्रोल होगा, कंट्रोल किया जाएगा आयन के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, रिसेप्टर आर डायरेक्टली बाइंड विद द लिगेंड। जो भी हमारा रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, तो मान लीजिए कोई हमारा सपोज मान लीजिए सोडियम आयन आया, तो सोडियम आयन पर रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, बाइंड होगा। ठीक है, अब सोडियम रिसेप्टर उसे बाइंड होगा तो देन रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, देन रिसेप्टर जो हमारा क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आयन आया रिसेप्टर से बाइंड हुआ तो रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट। अब जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो उसमें क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज हो गया, उसकी स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंज होगा। अब उसमें स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो जो भी रिस्पॉन्स देना होगा वो क्या जाएगा, सेल के भीतर। देन सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड विद रिसेप्टर, कन्फर्मेशनल चेंज हो गया। अब कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, अब जो सिग्नल आएगा वो क्या होगा, रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। पहले रिसेप्टर था वो नॉर्मल पोजिशन पर था, तो पहले हमारा जो सिग्नल था वो उससे बाइंड नहीं हो पाता था, लेकिन जब कोई आयन आया तो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। अब रिसेप्टर में चेंज होने से कारण ही वो क्या हो गया, फेवरेबल हो गया किसके लिए,
वो नया जो सिग्नल आ रहा है उसके लिए, यानी कि नए केमिकल के लिए वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब वो केमिकल उस पर आएगा और उस पर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और फाइनली सिग्नल रीचेस टू द सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, सेल न्यूक्लियस में डीएनए के पास, डीएनए के पास जीन से और जीन से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा और हमारा वर्क हो जाएगा। ये हो गया बेसिकली आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर हो गया, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है बेसिकली। अब नेक्स्ट आता है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, जी प्रोटीन होता है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पहले से ही जी प्रोटीन होता है, वो प्रेजेंट होता है। जब तक वो ज्वाइन नहीं होगा तब तक हमारा रिसेप्टर काम नहीं करेगा। जैसे सिग्नल मोलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर, सबसे पहले सिग्नल मोलिक्यूल आया रिसेप्टर से बाइंड होगा, जो भी हमारा रिसेप्टर है बाइंड होगा। क्या ये वर्क परफॉर्म कर देगा? नहीं, अभी वो वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, अभी ये वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। सिग्नल मोलिक्यूल आया रिसेप्टर से बाइंड हो गया, अब रिसेप्टर से जैसे बाइंड हो गया टू एक्टिवेट बाइंड टू जी प्रोटीन, अब ये क्या होगा, जी प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिग्नल आया रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। फिर जी प्रोटीन हमारी सेल मेम्ब्रेन पे होगा, वो क्या होगा, रिसेप्टर से डायरेक्ट अटैच होगा, डायरेक्ट अटैच होगा। अब जैसे ही जी प्रोटीन अटैच हुआ रिसेप्टर के साथ, तो उसमें क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा और वो जिस सिग्नल होगा वो हमारे सेल के अंदर चला आएगा, यानी कि देन जी प्रोटीन आल्सो एक्टिवेटेड एंड कन्फर्मेशनल चेंज अकर, और कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा हमारी रिसेप्टर के ऊपर और वो क्या होगा, सिग्नल को भेज देगा सेल के भीतर न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो देन सिग्नल रिसीव बाय द सेल न्यूक्लियस एंड गिव द रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ में आया, ये होता है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। नेक्स्ट आता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में समझते हैं। इनिशियली टू रिसेप्टर्स डोमेन आर सेपरेटेड टू ईच अदर, यानी कि इसमें क्या, एंजाइम लिंक्ड मतलब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर, उसमें दो डोमेन होते हैं, यानी दो स्ट्रक्चर एंजाइम की होती है, दोनों से क्या होते हैं, वो सेपरेट आउट होते हैं। पहले क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, सेपरेट आउट होते हैं, पहले क्या होते हैं सेपरेट। जैसे मान लीजिए पेन और रिफल पहले क्या, अलग कर दीजिए आप उनको, अलग कर दीजिए उनको आप, ठीक है। तो आप उनको क्या कर दिए, अलग कर दिए, ये क्या हो गया, मतलब कि ऐसे ही एंजाइम जो होता है सेल मेम्ब्रेन पे, एक दूसरा इधर होता है, एक दूसरा इधर होता है। अब व्हेन सिग्नल मॉलिक्यूल कम्स टू द कॉन्ट्रैक्ट देन इट फॉर्म्स डाइमर, जब सिग्नल मॉलिक्यूल आया सेल मेम्ब्रेन के पास, सिग्नल मॉलिक्यूल आया, तो ये जो दोनों अलग अलग थे, यानी कि पेन और रिफिल दोनों अलग अलग थे, अब ये दोनों पास पास में आने लगेंगे और दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इन जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डाइमर। क्या बोलेंगे उस प्रक्रिया को, डाइमर बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे हम डाइमर। नेक्स्ट डाइमर बोलेंगे एंड फाइनली कन्फर्मेशनल चेंज अकर एक्टिवेटेड द एंजाइम, और उस एंजाइम में क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा और वो एंजाइम जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही एंजाइम एक्टिवेट हुई, हमारा सिग्नल चला जाएगा न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस के पास से हमारा प्रोटीन बन के चला जाएगा बाहर, और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आप लोग बेसिकली इस चीज़ को समझ चुके हैं, रिसेप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि रिसेप्टर कैसे का बना होता है, तो मेनली प्रोटीन का ही बना होता है। एक का रिसेप्टर होते हैं जो आरएनए की तरह, आरएनए भी कभी कभी रिसेप्टर की तरह काम करता है, लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ रिसेप्टर आ जाए तो मेजोरिटी ऑफ रिसेप्टर किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। तो आप लोगों ने बेसिकली समझ लिया, आप लोगों ने समझा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है, जब भी कोई आयन आएगा तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज करेगा और वो रिसेप्टर कन्फर्मेशनल चेंज होकर सिग्नल को अपने ऊपर बैठाएगा, अपने ऊपर बैठा के फिर उसके बाद लेकर जाएगा न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस से क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा हमने जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है, जब भी सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड हुआ रिसेप्टर से तो वो तुरंत काम नहीं करेगा, वो जाके बाइंड होगा जी प्रोटीन से, और जब जी प्रोटीन और ये दोनों जब बाइंड होंगे तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा रिसेप्टर में और वो मॉलिक्यूल अंदर भेज दिया जाएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स को रिसीव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम लिंक आता है। एंजाइम लिंक में क्या होता है, दो डोमेन होते हैं, दोनों डोमेन अलग अलग होते हैं, यानी कि पेन और रिफिल का एग्जाम्पल, दोनों अलग अलग होते हैं। जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस उनके पास आता है, केमिकल सब्सटेंस उनके पास आता है, तो वो दोनों डोमेन है, यानी पेन और रिफिल दोनों एक साथ आते हैं और दोनों बनाते हैं डाइमर का, और जैसे ही डाइमर का फॉर्म बनेगा वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी, और एंजाइम एक्टिवेट होते ही उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो रिस्पॉन्स हमारी सेल के अंदर जाएगा, और सेल के अंदर जाते ही उसको सिग्नल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे बीच में सेल कम्युनिकेशन होता है, सेल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। इसी प्रकार हमारा हार्ट जो है और लंग का भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हर एक ऑर्गन का, हर एक ऑर्गन से कम्युनिकेशन होता है। अगर ये कम्युनिकेशन ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। तो ये हो गया
ये हो गया सारी चीज़ें हो गई कम्युनिकेशन वाला। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट पॉइंट पड़ा है, फिफ्थ पॉइंट पड़ा है, तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर अप कर देंगे, जिससे ये आपका जो सेल का टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नोटिफिकेशन, आपको कुछ दिक्कत हो रही है आपको, तो उसको कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, या इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो वो कर दीजिए, तो हम उस पर टॉपिक पे जरूर कवर करेंगे और आपकी डिमांड को पूरी की जाएगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही है।